शिकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी आपने सोचा है कि यदि व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या होगा? आप सोचेंगे ये भला क्यों हो सकता है। जी हाँ, आने वाले समय में हो सकता है व्हाट्सएप भारत में बंद हो जाए। पूरी दुनिया में चलता रहेगा लेकिन हमारे देश में हो सकता है आने वाले समय में व्हाट्सएप बंद हो। क्या ये हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है और क्यों मैं इस पर वीडियो देना ज़रूरी समझ रही हूँ? आज के ज़माने में व्हाट्सएप के बिना इंसान एक दूसरे को मैसेज करे तो कैसे करे, मेल के थ्रू भी, लेकिन व्हाट्सएप में फटाफट उंगलियाँ चलती हैं और सेकंड्स के अंदर हमारे मैसेज दूसरों तक पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़र्स करोड़ों की संख्या में इसे यूज़ करते हैं और इसके बिना लोगों को लगता है उनके जीवन में काम हो ही नहीं सकता। हालांकि व्हाट्सएप के द्वारा लोग कॉलिंग भी कर लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसी का जो हमें सहूलियत ये ऐप प्रदान करता है व्हाट्सएप, इसके द्वारा लोग आज सोसाइटी में वॉयलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं और इसी कारण देखते ही देखते इसी सोशल मीडिया पर इस ऐप के द्वारा लोग न जाने कितने हज़ार लोगों को घर बैठे सेकंड के अंदर अपने मैसेज को भेज देते हैं और वो ऐसे मैसेज होते हैं जो लोगों को न सिर्फ हाथों में पत्थर लेने के लिए मजबूर करते हैं, न सिर्फ लोगों को वायलेंस के लिए एक ऐसा मनोभाव भेजते हैं कि लोग उतर जाते हैं सड़कों पर और देखते ही देखते खून खराबा स्टार्ट हो जाता है। जब पता किया जाता है कि इसका सोर्स कहाँ है, किसने ये भेजा, तो बहुत समय ऐसा होता है कि उसके सोर्स का पता नहीं चलता, क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी जो है वो भी, जो चलाती है ये, वो भी कहती है कि कभी भी हमें भी कुछ ना कुछ सीक्रेट रखने पड़ते हैं। हम हर चीज़ को ओपन बताकर गवर्नमेंट को हर चीज़ हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन रिसेंटली सरकार ने आईटी एक्ट में कुछ बदलाव किए, जिसके चलते सरकार ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को फोर्स किया कि आपको मुझे वो सोर्सेस बताने होंगे जिस किसी भी ऐप के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ से मैसेज भेजा गया। अगर कुछ ऐसा हमारे यहाँ पर हो रहा है तो हम आपको फोर्स करेंगे कि आप उसका सोर्स बताइए कि कहाँ से इस मैसेज को भेजा गया, क्योंकि आजकल फर्जी मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं पर हो जा रहा है कि बॉम्ब रखा गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो मैसेज भेजा गया था वो एक फॉल्स मैसेज था, यानी उसकी रियलिटी कुछ नहीं थी। लेकिन रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है हमारे देश में। सरकार भी परेशान है। तो जब उसने व्हाट्सएप से पूछा, उस कंपनी से पूछा कि आप लोग हमें सोर्स बताइए ताकि ये फर्जी मैसेज भेजने वालों पर हम कंट्रोल रख सकें, तो व्हाट्सएप ने हाथ खड़े किए, कहा किसी की भी प्राइवेसी हमारे लिए मायने रखती है, हम इसी तरह से आपको सोर्सेज नहीं बता सकते, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। और अब भले ही उन्हें भारत छोड़ना पड़े, लेकिन वो सरकार के इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं और पहुंच गए हैं कोर्ट। हालांकि अभी कोर्ट में दोनों ही पक्ष, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारा देश और व्हाट्सएप, दोनों ही रख रहे हैं अपना अपना वक्तव्य, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्योंकि ये सही है। आजकल कहां से कब कौन सा मैसेज किसके पास पहुंच जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों के करोड़ों के बहुत सारे रुपये लूटे चले जा रहे हैं। कोई किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज दे रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप फंसने वाले हो, दे दो। वो डर के मारे फंसे ना, क्योंकि अमीरों लोग ड्रग यूज़ करते हैं तो ड्रग में वो फंसे ना, इसलिए वो जाकर पैसे दे देते हैं और फिर कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल आया था या व्हाट्सएप मैसेज आया था। मतलब ये व्हाट्सएप जो है सहूलियत के लिए बनाया, लेकिन यही व्हाट्सएप आज
लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है एवं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी है, बाहर के लोगों के लिए भी है। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट आईटी एक्ट में जो बदलाव की है उसके तहत वो चाहती है कि हमें वो सोर्सेस पता चल सके कि कहां से ये फर्जी मैसेज भेजे गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप इसके लिए तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है मैटर कोर्ट में, फैसला अभी आना बाकी है। अगर फैसला हमारी इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में आए तो हो सकता है आने वाले समय में भले ही व्हाट्सएप को इंडिया को छोड़ना पड़े, इसके लिए भी वो तैयार, ऑलरेडी उसने कह दिया है भले ही हमें छोड़ना पड़े, भारतवर्ष को हम छोड़ देंगे, व्हाट्सएप बंद कर देंगे, लेकिन हम प्राइवेसी किसी की ओपन नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप कभी भी किसी मैसेज के बारे में यदि पूछेंगे कि यह मैसेज कहां से भेजा गया, उसका सोर्स क्या है, आजकल लोग पूछते हैं, तो भले ही वो कितना भी कैसा भी मैसेज हो, उसका सोर्स ओपनली हम आके उनके बारे में हम नहीं आप तक पहुंचा सकते। हमें इसके लिए आप माफ़ कर दीजिए, भले ही उसे भारतवर्ष छोड़ना पड़े, लेकिन व्हाट्सएप टस से मस होने को तैयार नहीं है। फिलहाल केस किया है उनकी तरफ से, पहले केस गया है, तो भारतीय हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रख रही है। लेकिन अब आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या वास्तव में हमारे देश से हमेशा के लिए व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा, क्या चला जाएगा व्हाट्सएप हमारे देश से, लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, केवल मेल के थ्रू मैसेज जाएगा, केवल कॉलिंग ही लोग कर पाएंगे, लेकिन SMS भेज सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं, एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं सेकंड्स के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, बहुत सारी क्या रोकथाम लगेगी। अब तो ये आने वाला समय बतलाएगा कि क्या वास्तव में होने वाला है। भगवान कल्कि के मिशन में हर चीज़ पर एक सस्पेंस बना हुआ है। आने वाला समय रियली बहुत शॉकिंग है, जो टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए एक ना एक सरप्राइज आपको देता रहेगा। तो रहिए तैयार, कभी भी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। सोलार स्टॉर्म का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इंटरनेट बंद हो सकते हैं, आने वाले समय में व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है, पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके खिलाफ गया फैसला तो वो नहीं, उन्होंने पहले ही क्लियर किया है, हम भले छोड़ देंगे भारत, हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब आने वाला समय बतलाएगा कि किसके हक में फैसला जाता है और क्या व्हाट्सएप झुकने को तैयार है, किन शर्तों पर वो झुकने को तैयार है, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसे झुका पाएगी। ये सारी बातें केवल और केवल अभी कोर्ट में चल रही हैं। अब कोर्ट भी एक फैसला जब सुनाती है एक चीज़ के ऊपर, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि कोर्ट के पास सिर्फ यही मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं जो आज के समय में उलझे हुए हैं, जिन पर कोर्ट ही अपना फैसला सुनाएगी तो ही, क्योंकि आज लोग बात बात पर पहुंच जाते हैं कोर्ट में, आपस में तू-तू मैं-मैं होती है। तो आने वाला समय किस तरह से हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर आता है डिसीज़न कोर्ट के द्वारा, ये तो समय पर डिपेंड करता है। लेकिन हम तो यही प्रे करेंगे कि भाई जो व्हाट्सएप पे गलत मैसेज करते हैं, जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, ना करें वो ऐसा, क्योंकि उनके चलते अगर व्हाट्सएप मैसेज ही भेजना बंद हो जाए, कंपनी यहाँ से चली जाए, तो भारतवर्ष को भी हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि लोग फिर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, देखिए आने वाला समय हमारे लिए और क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।